कक्षा 9 के छात्र ध्यान देंगे, क्षितिज गद्यखंड पाठ 6, प्रेमचंद के फटे जूते। राइटर का, लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। देखिए हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास तब की बात और तीर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय हैं। देखिए भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे जो पाठ का शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। यानी कि हरिशंकर परसाई जी मुंशी प्रेमचंद के ऊपर व्यंग के माध्यम से व्यंग करके कहा है कि देखो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, जूते फटे हुए हैं, और ऐसी कोई विशेषता नहीं जिनका मैं गुणगान करूं। उसी व्यक्तित्व पर व्यंग के माध्यम से आपको इस पाठ के अंदर शीर्षक दिया है कि प्रेमचंद के फटे जूते। देखिए, और फटे जूतों में अपनी पत्नी के साथ, तो आप पाठ का जो सारांश देखेंगे, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभराई हैं, पर घनी मूंछे चेहरे को भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की जो पथरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। आपने जूते देखे, जूतों के जो लेस डोरी जो होती है उसको कसने की जो होती है, उसकी जो लोहे की जो सर्किल होती है वो निकल जाती है, और फिर वो इस तरह से उनके जूते की जो ऊपर बंधी हुई थी। दाहिनी पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। हरिशंकर जी परसाई जी कहना चाह रहे हैं कि मैंने जब दृष्टि डाली उनके जूते पर तो वहाँ जा करके अटक गई, उस जूते को देखने लगी जिसमें फटी थी उंगली जो है बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, मतलब इतनी इस पोशाक में पहनाव में तो फोटो खिंचा रहे थे तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं, ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में भी खिंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मुंशी प्रेमचंद जो है दिखाव में विश्वास नहीं करते थे, उनके पास
विशेष अवसर पर भी वही पोशाक पहनते थे और जिस पोशाक में रहते थे उसी में वो अपनी पत्नी के साथ फोटो भी खिंचा रहे थे। आगे हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है। मतलब फुल आत्मविश्वास के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उनके मन में कहीं कोई अपने कपड़ों को लेकर के वस्त्रों को लेकर के कोई हीन भावना नहीं है। फोटोग्राफर ने जब कहा कि रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं उसमें उपहास है, व्यंग है। तो कहने का भाव यह है कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन जो है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। तो हरिशंकर जी प्रसाद आगे कहते हैं कि ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना तो ठीक, जूते पहन लेते या नहीं खिंचाते, फोटो नहीं खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि हम आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ मगर तुम्हारी आँखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोर्ट से वर दिखाई करते हैं, मतलब विवाह शादी के अंदर दूल्हे के कोट पैंट टाई तक मांग लाते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व तो नहीं जानते। लोग तो इतर चुपट कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फ़ोटो में खुशबू आ जाए, गंदे गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती। तो कहने का मतलब हरिशंकर प्रसाद कहते हैं कि अगर मतलब व्यंग करते हैं मुंशी प्रेमचंद के ऊपर कि आप फ़ोटो ही खिंचवाना था तो किसी के अच्छे कपड़े मांग करके उनको पहन करके फ़ोटो खिंचा सकते थे तो आपकी फ़ोटो अच्छी आती, पैरों में तो आपके जूते फटे हुए और उंगली भी निकल रही है। लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोट पैंट भी उधार मांग लेते हैं दूल्हे का जैसा दिखने के लिए, बीवी तक उधार मांग करके उसके साथ फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करते हैं और एक आप हैं ये कहकर के जो है मुंशी प्रेमचंद पर व्यंग करते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता यानी कि 4 आने की 8 आने की टोपी तो 4 रुपये का, 5 रुपये की जूते तो जूता महंगा है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और वर्तमान में भी जूते की पूजा होती है। तो यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है कि जूता हमेशा कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ नौछावर होती हैं, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार उपन्यास सम्राट युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो समझ रहे हो ना, मुंशी प्रेमचंद को कोई उपन्यास सम्राट कहता है, कोई युग प्रवर्तक कहता है, कोई उनको महान कथाकार के नाम से जानता है, लेकिन ये क्या फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठे मतलब जूते के जो नीचे की शॉल होती है वो भी फट गई, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित हैं, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। आगे कहते हैं, तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो। हरिशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं किसको, प्रेमचंद जी को, फोटो देख करके। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह ही नहीं खिंचाऊँ चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये,
क्या होरी का गोदान हो गया, ये होरी का गोदान भी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, पूस की रात भी इनका प्रेमचंद जी की रचना है। क्या उसमें नीलगाय जो है वो हल्कू का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, सुजान भगत भी किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। यानी माधो की जो औरत थी वो कफन के लिए जो कपड़ा लेकर के आई थी वो शराब पी गया उसका पैसे से, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, ये मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा। उसने कहा आवत जात पनैया घिस गई, घिसर गयो हरिनाम। तो इसका भाव तो है ना पछतावा, उसने कहा आवत जात पनैया घिस गई, मतलब बहुत समय बीत गया लेकिन फिर भी हरि के दर्शन नहीं हुए। हरिनाम, हरि का मतलब ईश्वर का नाम ही जो है दूर हो गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजते हैं तिनको कर बे परे सलाम। जिनके देखने मात्र से अगर दुख होता है तो उनको दूर से ही सलाम, अच्छा है प्रणाम। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ को परत पर परत सदियों में से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकाने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। यानी ये कह रहे हैं कि जूता भी फट गया और उस जूते की फटी हुई तली से पैर घिस रहा है, जूते पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, फिर भी तुम उस तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। तो मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो ये आपका पाठ का जो है आप सारांश समझ गए होंगे। यहाँ पे हरिशंकर परसाई ने जो है प्रेमचंद जी की जो है उनके ऊपर व्यंग के माध्यम से बताया कि फोटो के अंदर जो उनका जूता फटा हुआ दिख रहा है, तलवे के नीचे से जो है उसकी तलवे घिस रहे हैं और जूते से जो उंगली बाहर निकल रही है उसी के बारे में व्यंग करके, और ये कहें कि ये कैसी दुख और वेदना है, आपका जीवन कितना अभाव में बीता होगा फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। इसी बात तो यानी जो बड़े व्यक्ति होते हैं ये भी कह सकते हो कि जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो अपनी वेशभूषा पहनाव पर ध्यान नहीं देते, जूते कपड़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते, वो तो अपने जो कार्य करना होता है वो कर लेते हैं। तो प्रश्न के जो अभ्यास है, पहला प्रश्न है हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएँ उभर कर आती हैं। दूसरा प्रश्न सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए, कह कह गह और घ है ना, तो ये आप चारों कर लेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता में से टोपी से कीमती रहा, अब भी तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 500 टोपियां न्योछावर होती हैं। आप इस वीडियो के अंदर जो है ये आपके कह प्रश्न नंबर 3 के अंदर कह कह गए कि ये तीनों के आंसर कर लेंगे। फिर बाद में ये चौथा क्वेश्चन पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल में विचार बदलता है कि नहीं इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस सुंदर प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। आपने व्यंग पढ़ाई से पढ़कर आप
को लेकर के कौन सी बातें आकर्षित करती है, ये पांचवा प्रश्न। छठा है पाठ पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया है, तो टीले शब्द जो है रचना और अभिव्यक्ति के कर लेंगे। सातवा क्वेश्चन और आठवा, सात और आठ, नौ और दस, उसके बाद में आ गई पाठ्यतर सक्रियता। महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। माँ देवी वर्मा राजेंद्र बाबू नामक संस्कृत में पूर्व राष्ट्र डॉक्टर राष्ट्रपति का इस प्रकार चित्रण किया, उसे भी पढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनका जो मोजा किस तरह से बाहर निकल रहा था, आपने पीछे क्लास में पढ़ा है, छोटी क्लास में। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही पुस्तक पढ़िए NCERT द्वारा, ये आप इसके शब्द संपदा कर लेंगे। उपहास खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी, आग्रह पुनः पुनः निवेदन करना, कलेश दुख, तगादा तगाजा, पनैया देसी जूतियाँ पैरों में पहने जाने वाली, बिसरना भूल जाना, नेम नियम धर्म कर्तव्य, बंद यानी फीता, बेतरतीब अव्यवस्थित ढंग से, ठाट शान बान बरकरार बचाकर। और ये भी जाने कुंभन दास, ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे कुंभन दास, तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। ये आपका पाठ पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर आप पाठ के जो समझाएं रीडिंग उसके आधार पर खुद करेंगे या फिर मैं अगली वीडियो में भेजूँगा। धन्यवाद।